अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील शौकत अली और आप मुझे देख रहे हैं रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। थैंक यू। क्या उस्ताद ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। और क्लासिकल जानना भी ज़रूरी है? क्लासिकल बेसिकली आपका जो बेसिक्स हैं, आपको गले का टोन क्या बनाना है, हाँ। वोकल्स आपको कैसे, उसके डायनामिक्स होते हैं, हाँ। ना कि आपने किस तरह लफ्ज़ों की अदायगी करनी, उसके लिए क्लासिकल आपको आना चाहिए। पर ये नहीं है कि आपको क्लासिकल नहीं आता तो आप सिंगर नहीं बन सकते। अच्छा। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये मिसालें हैं दुनिया में जिन्होंने क्लासिकल नहीं भी सीखा, उनको बेसिक्स पता है और वो सिंगर हैं और सक्सेसफुल सिंगर्स। तो डरना नहीं चाहिए। और उनमें से मैं भी हूँ। अच्छा। मैंने प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, हाँ। पर जब भी कोई मुझे सुनता है तो वो यही कहता है कि तुमने सीखा हो, मुझे एनवायरनमेंट ने सिखाया है और मेरी जो लिसनिंग हुई है वो बड़े लोगों को सुन, हाँ, के हुई वो है। अब्बू ने यंग एज में आपके कानों को तैयार किया ना। रफ़ी साहब के अलावा घर में मैं क्लासिकल जो ठुमरियाँ होती हैं, काफ़ियाँ होती हैं बड़े उस्तादों की, वो सुनता होता था। लोगों को, ये आम लोगों को जो है ना, वो बड़ा बोरिंग लगता है जो नए नए म्यूज़िक में आते हैं, उनको बड़ा बोरिंग लगता है। सारे गामा पादा नहीं सा, बस साहब पे खड़े रहो, बस यही करते जो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है एक टाइम। शुरू में मुझे भी लगता था, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और मैं बैठा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। डेडिकेशन मांगती है आपको, आप ज़ाहिर आप बेहतर जानती हैं कि एक्टिंग में क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह से आप उसको फेस करते हैं, कितना डेडिकेशन चाहिए इस काम के लिए। ये किया मैंने, हिम्मत नहीं हारी, मुझे करना है। क्योंकि पता है बहुत बारीक सी लाइन है जी, आप अगर उसको निग्लेक्ट करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे तो नहीं होगा। और अगर आप उसको बहुत बिल्कुल बहुत यू नो दिल जमाई से और यू नो पूरी डेडिकेशन पूरी मेहनत चाहिए, फिर आपके साथ आपका अल्लाह पर यकीन हो कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरा अल्लाह साथ, बिल्कुल अल्लाह मेरा उस पर साथ दे रहा है, और फिर माँ बाप की दुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी पछताए हो, रिग्रेट है कोई, पीछे मुड़ के देखते हो तो ये ना किया होता, ये क्या किया? रिग्रेट नहीं कह सकते, मुझे ख्वाहिश थी कि मैं अपनी लाइफ में मोहम्मद रफ़ी साहब को देखता, उनसे मिलता, बस ये है। और इसके अलावा मेरी लाइफ बड़ी खुशी से गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पसंद है, मैं गुरु मानता हूँ उनको, मैंने सीखा ही उनसे, हाँ। सच्ची मानूँ मैंने सीखा ही वहीं से। क्या चीज़ डिफाइन करती है आपको, हार्डवर्क या लगे रहना, हार ना मानना? हाँ, हार ना मानना मुझे लगता है। डेडिकेशन तो है ही, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड रहते हैं लेकिन उनका फोकस आउट हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट होती है उनकी, एक टाइम तक आके वो थक जाते हैं, जब कुछ नहीं हो पा रहा होता, सक्सेस नहीं मिल रही होती या एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती बेसिकली, क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है। जब तक उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो कहता है यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, किधर गलत कर रहा हूँ, और एक टाइम तक वो अगर गिव अप कर दे तो उसकी मर्ज़ी, गिव अप कर दिया तो क्या, ख़त्म। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा अभी तक मौजूद है, मैं कब से कर रहा हूँ म्यूज़िक, मैंने हार नहीं मानी और मैं नहीं मानूँ, और वही अल्लाह मुझे इसीलिए मेरे गानों के थ्रू कामयाब भी कर रहा है और लोग मेरे गानों को सुनते भी हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं हार नहीं मानता। क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हो? बड़ा पॉजिटिव लेते हो, तनकीद करते, ये क्या अच्छी है? बात है, हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है क्रिटिसिज्म करना, हाँ। लेकिन क्रिटिसिज्म कैसा हो रहा है और कौन कर रहा है ये बड़ा डिपेंड करता है। हम ले तो लेते हैं क्रिटिसिज्म, अच्छा यार उसने ये बात कही, कभी दुखी हुए हो क्रिटिसिज्म से? हाँ। शुरू में होता था, अच्छा सच्ची बताऊँ, शुरू में बहुत होता था कि यार अच्छा मैंने इतनी मेहनत से, ज़ाहिर मेहनत तो सभी करते हैं, पर जिस तरह मैं नीचे से उठकर ऊपर आया हूँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते ग्रेजुअली, तो वो जब काम करता था लोगों को नहीं भी कभी पसंद आता गाना, ज़रूरी थोड़ी कि आपका हर गाना जो है वो लोगों को पसंद आए, वो आपने अपने मुताबिक बनाया होता है, वो आपको लगता है कि ये
अपना बच्चा सबको अच्छा लगता ये बात तो वो लगता था कि ये चल जाएगा ऐसा, लेकिन वो नहीं चलता था। कभी वीडियो में आके रह गए, और कभी, और ये मैं आपको बताऊं अच्छी बात ये है कि मेरे कोई भी गाना उठाएं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसने बहुत बुरा गाया, ये नहीं कहा कभी। शुक्र है क्रिटिसिज्म हुआ, वीडियो अच्छा नहीं बना यार, तुम्हें इस तरह का वीडियो नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं, लेकिन ये नहीं कभी कहा किसी ने कि तुमने बुरा गाया। और मैं लकी समझता हूँ इस मामले में। एक्सपेरिमेंट से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसानी से फ्रीली कर लेते। देखिए म्यूजिक जब आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है तो आप लोगों को जो पसंद है उसी पर रहें, ये मुझे नहीं समझ आती बात। लोग मुझे कहते हैं यार अभी आपका एक स्लो गाना आया, सैड गाना है, अभी आप एकदम फास्ट नंबर कर दोगे या आप एकदम रोमांटिक कर दोगे या कर देते हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि क्यों नहीं, क्यों नहीं। और वो जो मास्क पहनने वाली आइडेंटिटी है ना, वही है अभी तक, वही चल रहा है। कभी मैं कुछ बन रहा हूँ, कभी कुछ बन रहा हूँ, लेकिन अपने अंदर रह के अपनी एक आइडेंटिटी बना के मैं अपने आप को वैरायटी दे रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हर म्यूजिक स्टाइल में जाके, और न डर होके, फियर नहीं है मुझे, मैं करूँगा, मुझे रोक नहीं सकता कोई। तो जब तक मैं खुद नहीं रुकूंगा मुझे कोई नहीं रोक। अबू के साथ डिस्कस करते हो जब कंपोजिशन बनाते हो? अबू की कई, अबू खुद कंपोज भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अबू की अभी मैंने रिसेंटली रिलीज किया ये गाना, क्यों है इनकार तुमको आने से, प्यार बढ़ता है आने जाने से। हाँ, ये क्या, कैसे, जरा ये अबू की कंपोजिशन, ये अबू ने बनाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसको अपने मुताबिक। हाँ, ये मुझे पसंद आई है। थैंक यू। तो वो उन्हीं की है। और ये लिखी किसने? ये लिखी है अबू के दोस्त है रहीम मंगेश। और ये सारे आप लोग बैठते हो, पूरी महफिल होती है? कभी कभी जब जब अबू आते हैं, अभी अबू आए हुए हैं, वैसे वो 6 महीने दुबई में रहते हैं। अच्छा। अपना बिजनेस उनका वहाँ पर, 6 महीने हमारे पास रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो हर रोज हमारे घर में जो है ना अबू के साथ बैठ के म्यूजिक में डिस्कशन हो रही है, कुछ भी, मतलब उनके सामने मैं अगर हारमोनियम रख दिया उन्होंने तो हारमोनियम पे बैठ के मैं उनको चीज सुना रहा हूँ कोई, और वो सुनते हैं बैठ के, कह रहे अभी भी कहते हैं नहीं ये नहीं ऐसे कर, तो वो कहते हैं और मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ अभी भी सीख, क्यों मैं समझता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस आपका बंद नहीं होना चाहिए, खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, हवा आती रहनी चाहिए। एक इम्तिहान है, इंतजार है, वक्त चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक टाइम पे आके रुक जाए। कोई और नहीं आया जिंदगी में जिसने इस नबील को चाहा? चाहते हैं लोग। हाँ। लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं देखें अट्रैक्शन हमेशा होती है, पर वो जो प्यार वाला, सिंसियरिटी वाला, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। वो दिलो जान से? हाँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए। अच्छा। जो मेरा पूरी सिंसियरिटी है वो म्यूज़िक में है, उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं फोकस नहीं हटाना चाहता, क्योंकि जितने लाखों लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज उनको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या उनको मेरे गाने पसंद आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्यों रोक दूँ सब कुछ। जो उनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी लड़की जो कि मुझे समझे, मुझसे प्यार करे और मुझे अंडरस्टैंड करे ये सारी चीज़ें, तो व्हाई नॉट। कैसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं? सिंसियर, ऑनेस्ट हो, कुछ भी कर रही हूँ ऑनेस्ट होने, ये नहीं होना चाहिए कि आप धोखेबाजी, नहीं अच्छी लगती कभी भी, बुरी बात है। आप क्यों किसी को, आपका राइट नहीं है किसी को हर्ट करना, बुरी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कामयाबी क्या चीज है एक आर्टिस्ट के लिए। कामयाबी, मैं कामयाबी को इस तरह से देखता हूँ कि लोग अगर एज ए म्यूजिशियन बात करूँ तो हाँ, कामयाबी मेरे लिए है कि लोग जब मेरे गाने सुन के मेरे साथ गुनगुनाना शुरू कर दें, उनको पूरा गाना मेरे से ज़्यादा याद हो, मैं लिरिक्स भूल जाऊँ तो उनको याद हो, और मेरे साथ गुनगुना रहे हों, शोर मचा रहे हों कि ये गाना सुना दूँ, ये गाना सुना, वो खुशी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी मेरा ख्याल है मुझे नहीं मिलती।
इस बात पर खुशी मिलती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी क्या है, आप कैसे खुश होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर जब मैं लोगों के अलावा अपनी फैमिली को देखता हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ, और जब उनकी आंखों में खुशी होती है, खुशी के आंसू होते हैं, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, सबसे बड़ी खुशी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल दुनिया में और कोई खुशी रह जाती है। अवार्ड्स कितने ज़रूरी होते हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़रूरी होता है अवार्ड से ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, जो रिवॉर्ड होता है, लोगों का प्यार ही अवार्ड होता है मैं समझता हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जो आपने सामने रखी हो आपको प्रूव करने के लिए, और लोग आपको जानते ही ना हो, लोग आपके गाने ही ना जानते होंगे, आपको अच्छा इंसान ही ना मानते हों, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मुझे तो ये लगता है कि अवार्ड ठीक है, अगर मिलता है, अप्रिसिएशन अगर कोई करता है तो बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, पर उसकी बिना पे एक आर्टिस्ट को जज किया जाइए सही नहीं है। पहले पैसे मिले थे तो क्या किया था उससे? सबसे पहले गाड़ी ली थी, मैं गाड़ी का शौक था, मैंने गाड़ी ली, अब्बू को दिखाई कुछ लोग, फिर चलाई, फिर मैंने पहले चलाई नहीं, पहले जब लेकर आया घर तो उनको बिठाया, पहले तो खुश हुए कि अच्छा इतना बड़ा हो गया तू। गाड़ी चलाई, साथ गए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या चलता रहा सिलसिला। अम्मी के लिए क्या खरीदा? अम्मी के लिए मैंने, अभी भी खरीदता हूँ, कभी मैं उनको कुछ प्यारा सा ड्रेस ला के दे देता हूँ, कभी कुछ नेकलेस वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे, कभी कभी अगर कुछ ना हो, बहुत जल्दी में हूँ, तो परफ्यूम ला देता हूँ, कुछ ना कुछ जो है। अभी भी उनकी गोद में सर रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, और इतना सुकून मिलता है, ख़ास तौर पर जब मैं ट्रैवल करके आ जाता हूँ, कॉन्सर्ट्स वगैरह करके फ्री होता हूँ, तो फिर गोद पे सर रख के सुकून से, फिर वो सर दुबारी होती है, मेरा खुशी होती है। कभी सोचा है कि उस्ताद कहलाओगे? कभी इस तरह सोचते नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी, मैं मुझे कोई कहता भी नहीं उस्ताद, और ना मैं हूँ उस्ताद, नहीं, ये उस्ताद तो बहुत बड़ा दर्जा है। कभी सोचा है कि एक दिन मुझे ये वाला मुझे एजाज देंगे ये लोग, है ना? नहीं, मैंने नहीं सोचा इस पर कभी, नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि उस्ताद एक बहुत बड़ा लेवल, मुझे लगता है अभी तो शुरू हुआ है काम, तो बहुत काम करना बाकी, क्योंकि मुझे, मैंने कुछ लोगों को मैं मिली हूँ, वो बहुत उनमें ये हिर्स होती है कि वो जल्दी से उस्ताद कहलाना शुरू हो जाए, तो फिर उनको जल्दी से मेहनत भी करनी चाहिए। है ना, मैंने देखा ऐसा और मैंने महसूस किया कि क्यों अभी तो आप तिफले मकतब हैं, अभी तो बहुत पूरी जिंदगी चाहिए, कुछ भी समझ, आई थिंक एक सुर की, आई थिंक गहराई में पहुंचने के लिए आपको सारी जिंदगी चाहिए, बिल्कुल, है ना, और ये तो इतना बड़ा समंदर है कि आप नहीं कर सकते, वो जल्दी से अपने नाम के साथ, इतना गहरा समंदर है कि आप बस इसमें डूब रहे हैं और डूबते ही जा रहे हैं, है ना, किनारा कोई नहीं है, कोई किनारा नहीं, कोई चक्कर नहीं है, तो ये तो, क्योंकि आपको जितना आप जानते हैं उतना नहीं जानते हैं, बिल्कुल, वाह वाह, है ना, बहुत अच्छी, मुझे ये एहसास हुआ कि म्यूजिक या किसी भी चीज, किसी भी, कोई भी काम, आर्ट का जो काम है जिसमें पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, एक्टिंग है, कि नहीं इसमें तो आप समझते हैं आपको कुछ आया है अभी, तो अभी उसके आगे एक और दरिया है, है ना, कड़ी से कड़ी, लिंक से लिंक मिलते जा रहे हैं, पता ही नहीं, हमें, मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये गाना हिट हुआ ना, बस इससे बेहतर गाना हो ही नहीं सकता, अचानक उससे कोई बड़ा गाना सुन लेता हूँ, ओहो अच्छा ये भी था, ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था, ओह। कभी जेलस हुए हो? कभी दिल में हसद आई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और बल्कि अक्सर मैं लोगों को कहता भी हूँ कि जलने की ज़रूरत नहीं है, जलने से आपका अपना ही नुकसान होगा, आप यहाँ पे भी जल रहे हैं, ऊपर जाके भी जलेंगे, किस बात से जलना है, जो अल्लाह ने आपको दिया है वो आपका है इस दुनिया तक, बाद में वो भी आपसे ले लिया जाएगा जब आप चले जाएंगे, किस बात का हसद रह गया, साथ लेके तो नहीं, रश्क जरूर कर सकते हैं, क्या बात, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको मैंने तोड़ना है, जो आमतौर पर लोग ज़्यादातर हैं, कलीग्स हैं, वो करते हैं इस तरह की बात, पीठ पीछे कुछ कह रहे होते हैं, बुराइयां करते हैं,
जब सामने आते हैं तो बिल्कुल मीठे हो जाते हैं, प्यार से बोलना शुरू हो जाते हैं कि जैसे आपके जैसे कोई बंदे हैं। होता है, ये नॉर्मल है, इंसान की नेचर है, पर नहीं होना चाहिए। जलने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अल्लाह ने दिया आप उससे सेटिस्फाई हो जाएं और शुक्र अदा करें। जो मुझे मिला है वो मेरे नसीब का है, जो उसको मिल रहा है वो उसके नसीब का है। हम एक दूसरे का नसीब एक्सचेंज नहीं कर सकते, हम छीन नहीं सकते किसी से कुछ। गुस्सा चढ़ता है कभी? बड़ा है? गलत बात पे गुस्सा आता मुझे, और उनमें सबसे बड़ा ये जो जेलेसी जो एलिमेंट है, कोई मेरे सामने कर रहा हो, इवन मेरे सामने कोई बैठा किसी और के बारे में बुराई कर रहा हो, मैं उसको तभी रोक देता हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है उस पर कि क्यों कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अगर कुछ गलत हुआ है उससे तो आप उससे बात करो, आप चुगली लगा रहे हो मुझे क्यों, क्या जरूरत पड़ी हुई? माफ कर देते हो? बिल्कुल कर देता हूँ। और भूल भी जाते हो? गाना नहीं गाया जाता तो भूल भी जाते हो, क्योंकि कुछ लोग माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। मैं सच्ची बताऊं तो भूल जाता हूं, मैं ज्यादा देर रख ही नहीं सकता अपने अंदर दिल में कोई बात। बड़ी सी बड़ी बातें भी हुई हैं लेकिन मैंने छोड़ दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, होता है। हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तो ये वही एक्सप्लेन कर रही है सारी चीज़ें। तो ये कब तक चलेगी ये इंस्पिरेशन, ये जो टीस है, ये जो एक भांस है, एक कसक है? आई थिंक जब तक सांस चल रही है तब तक चल रही है और चलनी चाहिए। कभी सोचा नहीं कि बस अब सब कुछ पीछे रह गया है, मैं आगे निकल चुका हूँ, लेकिन फिर वो जो गुदाज है ना वो चाहिए, है ना वो चाहिए, वो तबीयत का गुदाज ही तो इंसान को आगे लेके चलता है। अभी क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आगे, कोई प्लान है कोई? मैं सोचा तो काफ़ी कुछ है, बट उनमें से एक ये है कि मैं लोगों के लिए जो शायद उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं गुजार पा रहे, जो बहुत लोअर तबके हमारा, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कैसे अभी प्लान नहीं। अच्छा, लेकिन दिल में चाहत है? दिल में ये चाहत है और बड़े अरसे से चाहत है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इसी तरह जब गलियों में चलता फिरता था तो मैं देखता था तब कि ये आखिर मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, उसकी क्या मजबूरी होगी। बचपन से एहसास था, बचपन से इस चीज़ का एहसास था, और अक्सर मैं घर आके इस बात पर रोता भी था कि यार ठीक है अल्लाह का निज़ाम है, सबको अलग अलग तरीके से रखा हुआ, पर उनको देख के मुझे एहसास होता था कि अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है, उनके पास क्यों नहीं, उनके पास भी होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन मेहनत तो सब कर सकते हैं, मेहनत अपनी अपनी सिचुएशन में से सब निकल सकते हैं, लेकिन देखे ना, लेकिन कुछ लोग फंस भी जाते हैं, फंस जाते हैं, किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। इवन इस फील्ड में कई ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जो मैंने देखे हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, प्लेटफॉर्म उनके पास, प्लेटफॉर्म के लिए वो कहाँ जाएंगे, इतनी मेहनत की। अब लगता है कि दुनिया बहुत अनफेयर है। है तो सही है ना, लेकिन रियलिटी है। हाँ, उससे पीछे भी नहीं हट सकते। है तो सही, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा, और कोई इतना गुनी है और वो बहुत ओझल है, उस लोगों को पता ही नहीं है। समीना जी, मैंने इतने लोग देखे हैं जो इतना अच्छा अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, तो ऐसा किसी भी फील्ड में ऐसा दिल करता है कि ऐसी कोई एकेडमी हो या कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो जहाँ आप ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाएं? और अक्सर मुझे भाई बता रहे होते हैं कि आपके फैन पेज पे इंस्टाग्राम पे पता नहीं कितनी तादाद में मैसेजेस आते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ सिखाएं, म्यूज़िक सिखाएं, सिंगिंग सिखाएं, हमें प्रैक्टिस करवाएं, ट्रेनिंग में। आपको दिल आपको लगता है कि आप क्यों नहीं? आप में एक नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है जहाँ पे बड़े लोग जो जानते हैं इस काम को वो सिखाएं, लेकिन मैं उसको करूँ, मैं उसको हैंडल करूँ। जो चीज़ सिखाई जा रही है वो सही सिखाई जा रही है और सबके साथ फेयर हो रहा है, और वो सीख के आगे प्लेटफॉर्म्स पे काम करें, ये होना चाहिए।
इसमें प्लान है बिल्कुल मेरा, और इंशाल्लाह मैं करूँगा, इस पर ज़रूर काम करूँगा। नो आई, मैं अगर कोई कोई भी हेल्प कर सकूँ मैं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ऐसे कितने सारे हमारे आर्टिस्ट हैं है ना, जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कोई उनको जानता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले, बहुत बड़े बड़े हैं यू नो, और वो जो ज़िंदगी में, फिर लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने अगर आपको इतनी इज्जत दी है तो यार आप लकी हो, आपको इसका शुक्र अदा करें, हम्बल रहना चाहिए। और अगर आपके वसीले कुछ हो जाए, बिल्कुल यू नो, क्योंकि हम सारे वसीला हैं, बिल्कुल, तो अगर और कुछ कितने लोग मुझसे सिंगिंग में, म्यूजिक में इंस्पायर होते हैं, और जाहिर है कितने लोग सीखना भी चाहते हैं, और मैं उनके लिए डेफिनेटली ये काम करूँगा, ये मेरा प्लान है। गजल को तो नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि गजल बहुत निगलेक्ट हो गई है यू नो, गजल जरूर गाएं, हाँ, सब कुछ गाएं, मॉडर्न गाएं, पॉप गाएं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और मुझे तो बड़ा मजा आता गजल गाने। हाँ हाँ, लेकिन एक चीज को फिक्स नहीं कर सकता मैं, बिकॉज़ हाँ, वो आपको बताया ना मास्क वाला जो, हाँ, जो चेंज करने वाला जो, नहीं करो चेंज, मगर गजल गजल जरूर, गजल अभी ये क्यों है, इनकार ये गजल है, ये मैंने की है, और इन फ्यूचर मेरी अभी बहुत सी चीजें अभी पाइपलाइन में हैं, उनमें गजलें भी हैं। तो उस्तादों को भी गाओगे, जैसे गालिब है, जैसे जैसे मीर है, बिल्कुल, हाँ, दाग देलवी, उनको बिल्कुल उस्तादों को गाना चाहिए, है ना, गाना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं, और बल्कि न्यू जनरेशन को इस चीज का पता लगना चाहिए कि पुराना क्या काम हुआ। यकीन करें पुराना काम इतना जबरदस्त है कि अभी तक वो चल रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो कि साज के कहाँ रखोगे और कौन कौन से होंगे, ये कौन करता है? जो जब आप अपनी गजल को गाते, जब मैं अपने सॉन्ग्स बना रहा होता हूँ तो मैं एक स्केच मेरे माइंड में होता है, अच्छा, कि मुझे इस तरह का साउंड चाहिए, हाँ, और मैं कभी कभी वो डेमो बना भी लेता हूँ, लेकिन फिर मैं लेकर जाता हूँ अपने म्यूजिक अरेंजर्स के पास कि भाई ये मैंने बनाया है, ये मेरी थाट है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, करते हैं, फिर मैं उनको चेंज करवा रहा होता हूँ, या अगर वो सही होता तो ठीक है, नहीं होता मुझे फील होता कि यार उसको चेंज होना चाहिए, मैं करवाता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज होती है, या कुछ कुछ नए साउंड्स, कुछ नया करो, यूनिक करो, जो पहले नहीं हुआ, जो शायद मैंने ना पहले किया हो, जो किसी ने पहले ना किया हो, इस थॉट के साथ जब मैं चलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है काम का, तो हमेशा हर बार नई चीज़। इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हो, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट तो गायब हो गए, नहीं इस्तेमाल हो रहे, है ना, तो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना अब वैसे भी बहुत कम हो गया, पर मेरे गानों में मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को जिंदा, हाँ, किया जाए जितना भी हो, हाँ, सकता है। जैसे अब हमारी अभी ये सारंगी, एक सारंगी की बात कर, बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने उसको यूज़ करवाया, हाँ, अपने गाने में, हाँ, तो जैसे वायलिन्स हैं, हाँ, जैसे बहुत से ऐसे साज हैं जो बिल्कुल छुप गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बिल्कुल वो करना चाहिए, उसमें भी बुराई नहीं है, मैं खुद करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उनका इम्तिजाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अगर गाने की मुनासबत से आप उसकी अरेंजमेंट को देखें तो वो क्यों नहीं, उसमें अगर हम पुराने साज यूज़ करें तो क्यों नहीं। कभी नफरत की है किस चीज़ से? आई वॉन्ट टू नो, कभी ये जो लोग नफरत कहते हैं ना, नफरत बहुत हार्ड वर्ड है ना, लाइक और डिसलाइक वगैरह कुछ हो सकता है, हेट करना, हेट, जिंदगी बड़ी छोटी है हेट करने के लिए किसी को, लोग करते हैं नफरत, पता नहीं क्यों करते हैं, शायद उनको अपने आप से मोहब्बत नहीं, अपने आप से मोहब्बत करते हो, होनी चाहिए, क्यों नहीं, इंसान इतना, अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया, खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने आपको इतना कुछ नवाजा है, तो क्यों नहीं, जब आप अंदर से ही खूबसूरत नहीं होंगे, या आपको अपने अंदर से ही प्यार नहीं होगा अपने अंदर में, तो आप लोगों से कैसे प्यार करेंगे, और लोग आपसे कैसे प्यार करेंगे, तो क्या ये प्यार, शुक्र अदा करें, वही आपके अंदर प्यार बढ़ाएगा, मुझे ये फील हो, मुझे लगता है कि जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना अपने आप को कोशिश करेंगे कि जो मुझे अल्लाह ने अता किया है मैं उस चीज़ पर उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ, हज़ारों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने मुझे ही अगर इज्जत दी है तो मैं लकी हूँ, मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए, और यही खूबसूरती है इंसान की, वरना वो इंसान ही नहीं है अगर वो शुक्रगुजार ही ना हो। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती जो जिससे कुड़ते हो, क्या बदलना चाहते हो? झूठ, झूठ मुंह पे हो या पीठ पीछे हो, झूठ ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बदलनी है।
और सच खूबसूरती है, खूबसूरती और झूठ बदसूरती है, बिल्कुल। और जिंदगी क्या है? जिंदगी एक इम्तिहान है, इंतजार है, वक्त चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक टाइम पे आके रुक जाए। लेकिन जितना वक्त मिला है, अगर मैं उससे खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और लोग मुझसे खुश हैं, तो वो खूबसूरत ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी है। अगर आपको किसी लोग आपसे हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, फिर आप क्या लेके जा रहे हैं? ज़िंदगी खूबसूरत है, अगर आप उसको खूबसूरत बनाएं, खुद बनाएं, तब वो खूबसूरत है। अगर जलते रहें, हसद करें, झूठ बोलें, फरेब दें, धोखा दें, तो शायद आपके लिए वो अच्छी हो, पर किसी और के लिए अच्छी नहीं होगी। आपको खुद खुश होना है, खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और ये इम्तिहान है, और इम्तिहान किस बात का है कि तुमसे लोग खुश होते हैं या नहीं? तुम उनको तकलीफ़ दे के जा रहे हो या खुश करके जा रहे हो? यही है इम्तिहान। आप स्पिरिचुअल हो? बिल्कुल बिल्कुल हूँ, मेरा बड़ा ईमान है इस चीज़। तो सूफी क्यों नहीं गा रहे? मैं सूफी गाता हूँ। अच्छा। और अभी कुछ किए मैंने सूफी सॉन्ग्स। अच्छा। वो भी रिलीज़ करूँगा जी। तो किस सूफी पोएट की काफ़ियाँ ज़्यादा दिल को लगती हैं? बहुत से हैं। बुले शाह तो अभी मैंने उनका कलाम भी खुद भी रिलीज़ किया था। पर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे सही मानों में सूफी म्यूज़िक जो पसंद है ना अभी तक, वो आपदा जी का। और बड़ा पीसफुल है। जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं आपदा जी को सुनता हूँ। आप उनको मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। रूहानी उस्ताद मानते हो? मेरी जज भी थी उस शो की। हाँ। और इतना प्यार किया उन्होंने मुझसे। और मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। हाँ। और वहाँ पे वक्त का पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। आप बैठ जाएं और आप सिर्फ कब सुबह के 4 बजे बंद की हुई और आप सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको देखते हैं और अदब में आंखें नीचे कर लेते। और फिर जब आप उनकी एक आवाज आती है मौला, जब वो आवाज लगाती है ना मौला पे, बस आप कहते हैं कि हो गया, मिल गया मुझे जो मिलना। मुझे मजा आता है उनको सुनने, सुकून मिलता। मुझे उनके पास बैठना बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बरगद का एक बहुत बड़ा दरख्त है और आप उसकी छांव में बैठे, है ना? क्या बात, क्या बहुत अमेजिंग। मौत क्या है? मौत एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जो कि हर एक को आनी है। जो जिंदा है उसको मौत आनी है, और एक जिस्म से रूह का निकल कर अपने सच्चे खालिक से मिल जाना। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को मौत कहा जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के खत्म, यही दुनिया, इस दुनिया से अगली दुनिया जो कि हमने नहीं देखी, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला, पर वो जो तकलीफ से गुजर कर ये प्रोसेस है जिसे गुजरना, मुझे यकीन है और ये हकीकत है, इससे हम भाग ही नहीं सकते। जब इस तरह का दिल होता है जो बहुत गुदाज होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उस वक्त क्या गाते हो? कोई एक सॉन्ग नहीं है, बहुत सी चीज़ें। जैसे मैं ज़्यादा क्लासिक सुनता हूँ जब इस तरह की सिचुएशन आ गई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, कहीं बीत ना जाए। ये लाइन अट्रैक्ट करती है, ये मैं सुनता हूँ उससे। जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं आज ज़रा दुखी टाइप हूँ, तो
ये गाना ज़रा मुझे थोड़ा सा। और क्लासिकल क्या याद भी आ गया है? सुना बड़े बोला इतना मुझे पसंद है, मैं सुनता हूँ। और कितने तरीकों से आप कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। और बहुत सी चीज़ें, रफ़ी साहब के बहुत से गाने हैं, फिर मेहदी हसन खान साहब की कितनी गज़लें हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार गूंजती है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है सच्ची बताऊँ तो। और किसी एक चीज़ को मैं फिक्स नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात है। कभी मेरा कुछ सुनने का मूड है, कभी कुछ सुनने का मूड है, बस मैं सुन रहा हूँ, सुकून ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे उसको सुनने में, यही है। ऐसी कोई बात है दिल में जो रह गई है, जो पूरी नहीं हुई? कोई ऐसी बात अदर देन रफ़ी साहब को मिलने की ख्वाहिश तो मैंने सुनी ना, बट ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो फेम के बाद, यू नो, जब इंसान के पास सब कुछ हो, फेम हो और दौलत भी आ जाए और सुकून भी हो और है ना लगन भी हो, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर कोई रहती है कोई चीज़ ऐसी जो आप करना चाहें? वो एक है ना शेर जो है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। चल रही हैं ख्वाहिशें, ख्वाहिशें रहनी चाहिए, और मेरी भी हैं। अभी जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा हूँ, मेहनत से, किसी की सपोर्ट लेके, या किस ऐसे नहीं पहुँचा हूँ, मेहनत से, डेडिकेशन। ऐसा है कि यहाँ गाऊँगा या इसके लिए गाऊँगा, ऐसी है कोई कि ऐसा कॉन्सर्ट करूँगा जहाँ मैं हूँ? और सब बातें छोटी पड़ जाती हैं, ये वो ख्वाहिशात हैं जो किसी एक जगह पर, जैसे मामले में अक्सर कहते हैं लोग कि यार मुझे यहाँ पर गाना है। हाँ। लेकिन हो सकता है मामले से और भी कोई बड़ी चीज़ हो, स्पेसिफिक क्यों कर दूँ किसी चीज़, जो अल्लाह दे रहा लेते जाओ। थैंक यू सो मच, जीते रहो, खूब गाओ, हर ख्वाहिश पूरी हो अल्लाह करे, खुशियों से भरा रहे दामन, और सुरों से कहाँ कहाँ पहुँच जाओ, दुनिया के हर कोने में तुम्हारी आवाज़ जो है वो पहुँचे। थैंक यू, ब्लेस यू, बहुत खूबसूरत गाते हो। बहुत शुक्रिया।